पूछ ले एक बार क्विकली, शी कैन व्हाट्सएप द लिंक व्हिच यू कैन। Rashmi and Janak Bedi. They are here finally, good to meet them. They are single-handedly responsible for making this evening happen. I want to thank Glam and Shine with Rashmi Bedi. Today we have special duo with us. They are Indian Hindustani music artists who play instrumental Indian flute music, also known as flute sisters. आइए आपको मिलवाते हैं देवप्रिया और सुचिश्मिता चैटर्जी से. Thank you.
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के मुझे। और ऑफ कोर्स फ्लूट का जो सुर आता है ना, इट्स इट जस्ट टेक यू इन सम डिफरेंट लैंड। इट्स अ पीस ऑफ माइंड एंड आवर व्यूअर्स आर सो हैप्पी। एंड उन सब की तरफ से भी मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगी। ऑल ओवर यूएस एंड कैनेडा वॉज वॉचिंग दिस शो, सैट यू आर हियर ऑन आर शो टू शेयर योर म्यूजिकल जर्नी विद आवर व्यूअर्स। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि आप दोनों का सफर कैसे शुरू हुआ एंड व्हाई यू पिक फ्लूट। यू फर्स्ट। वेल, आई थिंक म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन इन आर फैमिली। सो वी आर फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशंस। बोथ आर पेरेंट्स, मिस्टर रॉबिन चैटर्जी एंड मिसेस कृष्णा चैटर्जी, दे आर वोकलिस्ट्स। जी सो गाना बजाना परिवार में बचपन से ही रहा है। एंड लेटर ऑन आई थिंक समवेयर और दी अदर, शायद हमारे पिताजी की इच्छा थी लाइफ में कि वो कभी बांसुरी बजाएं, बट फॉर सम रीज़न दैट डिडेंट वर्क। सो आई थिंक इन आर कंट्री इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेडिशन कि पेरेंट्स लिव देयर ड्रीम्स थ्रू देयर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स, सो आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा विद अस, आपने। या समथिंग सिमिलर हैपेंड विद अस। एंड जस्ट पापा वन फाइन डे ही जस्ट आस्क्ड अस दैट, बिटिया आप लोग बांसुरी बजाओगे? तो हाँ जी, हम लोग तब काफ़ी छोटे थे एंड वी सेड या ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। And then the journey started, of course. And after a couple years, at that point of time, we were living in Afghanistan. ओके। So yeah. So after that, whenever we got back to India, and after that we moved to Allahabad, then we went to Pandit Bholanath Prasanna ji, जी and he was our first guru. And then later on, our family again shifted to Mumbai, and then we started learning under Pandit Hariprasad Chaurasia ji. वाह। सो आप दोनों में से पहले किसने कहा कि ओके वी आर रेडी टू लर्न, या आप दोनों साथ में ही तैयार होंगी? No, I remember very clearly. You know, it used to be we feel that we belong to a different generation now because this generation is very different and we see a very big jump. तो उस जनरेशन में ना जो मम्मी पापा बोल देते थे, हम लोग अच्छे बच्चों की तरह मान लिया करते थे। हम लोग आर्ग्यू नहीं करते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे। तो पापा की इच्छा थी, क्योंकि पापा ने, उनके दिमाग में ये था कि जब लड़कियां एरोप्लेन चला सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, जब लड़कियां पुलिस ऑफिसर बन सकती हैं और हर फील्ड में हो सकती हैं, तो फ्लूट क्यों नहीं बजा सकती हैं? क्योंकि उस टाइम को कोई फ्लूटिस्ट थे नहीं। हाँ जी, देयर वर नो इंडियन गर्ल्स प्लेइंग द इंडियन बैम्बू फ्लूट, सो इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग। बट एट द सेम टाइम ही प्रोबेबली हैड सम लेवल ऑफ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग दैट वाई इट्स नॉट पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल। कोर्स, जस्ट बिकॉज नो बडी हैज ट्राइड, सो इट डजेंट मीन दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे खुद आप दोनों पे बहुत गर्व महसूस होता है। यू हैव मेड इंडिया प्राउड, ऑफ कोर्स। कितना अच्छा लगता है आप दोनों को देख के, और ऑफ कोर्स हर भारतीय आप पे गर्व करता है। आपने विश्व में ख्याति हासिल की है और हर कोई जानता है आपको, दैट इज सो नाइस। एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत प्यार से इस इंस्ट्रूमेंट को अपने बिल्कुल दिल से लगाया है और पूरा 100% दिया ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स यू हैव वन सो मेनी मेडल्स इन योर फील्ड, यू नो, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड यू ग्रैब बोथ ऑफ देम। इट्स सो मच टू नो फ्रॉम यू। आप दोनों से जानने के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग हैं और बहुत पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे फ्लूट बजाएं या दे शुड लर्न, बट घबरा जाते हैं बिकॉज दे फील इट्स नॉट ईजी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब आपने शुरू किया तो क्या आपको परेशानियाँ आई सीखने में, और इज़ इट वेरी इजी टू लर्न? नो, नथिंग कम्स ईजी। डेफिनेटली व्हेन यू अचीव, वांट टू अचीव समथिंग, एंड देर इज सर्टेनली अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एंड म्यूजिक इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग दैट आप गाना चाहते हैं तो आप गाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर जो मेहनत होती है एक प्रॉपर म्यूजिशियन की, एक प्रॉपर लेवल अटेन करने की। सो आई एम श्योर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम आई फील नॉट ओनली म्यूजिक बट नथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन। सो दिस सर्टेनली विल नॉट कम। सो इट हैज़ नॉट बीन अ वेरी इजी जर्नी,
इन फैक्ट शुरू में देर हैव बीन, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया काफ़ी क्रिटिसिज्म था, बिकॉज देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द सेंस, बिकॉज एज शी सेड दैट माई पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर वोकलिस्ट. सो वॉट हैपेंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट आवर पेरेंट्स वॉन्टेड टू कीप अस बिजी एंड एंगेज, की लड़कियाँ हैं, दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिजी रखो इन लोगों को. तो उस टाइम को हम लोग गाना भी सीख रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, दे ऑल्सो एंगेज अस इन क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक कथक एंड ऑल, एंड फ्लूट भी था. सो दैट वॉज देयर, बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि दे जस्ट वॉन्टेड टू कीप अस बिजी. वी डिडंट नो कि हम लोग कौन सा सिंसियरली करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये Yeah, but as far as learning the flute or starting the flute is concerned, of course, मतलब हम लोग का जो posture है, so that is a very, in a way, a very unnatural posture because हम जैसे बैठते हैं, our hands are up in the air without any support, and there is also some slight twist on our back because usually we sit on the floor with folded legs. So the posture is also not very comfortable, and the stretch of the fingers and stuff like that. So initially, of course, तकलीफें तो हुई, दर्द भी होता था, मन करता था कि नहीं ये बहुत मुश्किल है. एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक यू नीड लॉट्स ऑफ लंग पावर. सो बाय नाउ आई थिंक वी हैव स्ट्रांग लंग्स, एटलीस्ट वी थिंक सो. Which is very important for this COVID situation, and I think we will certainly not die of heart attack because we have very strong lungs and heart. इसका आपको बहुत फायदा मिला So इस दौरान, या ऑफकोर्स. initial stages were not very, very Yeah. easy, So coming but to of that course. point, what I missed and what I started speaking was that at that time there was a lot of criticism because people said that लड़कियां हैं और अच्छी खासी दिखती हैं, आप इनको डांस सिखाओ, लड़कियां सितार बजाती हुई अच्छी लगती हैं, गाना गाती हुई अच्छी लगती हैं, डांस करती हुई अच्छी, ये फ्लूट क्या है, मतलब ये फ्लूट कैसा, बहुत इट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ अ माइंड सेट पीपल हैड दैट गर्ल्स हाउ वियर्ड कैन दे लुक प्लेइंग द फ्लूट जस्ट बिकॉज दे नेवर इमेजिन समबडी प्लेइंग द फ्लूट. सो दैट वॉज अ लिटिल काइंड ऑफ अ लिटिल हिच, बट लेटर ऑन ऑल दैट गॉट सॉर्टेड, दे एक्सेप्टेड. And I think we were very fortunate that our gurus never raised an Yes. eyebrow. In the Wow. sense, even when we went to Bhola Guruji and later even to Guruji. So for them, I mean, though they themselves didn't have any women students at that point, but the way they accepted us, it was really like as though it was a very normal thing to do. Wow. So, and we were also Wow. very young at that point. So, हमको भी कभी वो हिच हमको उस टाइम पे फील नहीं हुआ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी अनयूजुअल. Yeah, we didn't know. ओनली लेटर ऑन एज वी स्टार्टेड ग्रेजुअली छोटे मोटे प्रोग्राम्स जब बजाने शुरू किए हमने, देन आई थिंक एट सम पॉइंट वी रियलाइज दैट व्हाट वी वर डूइंग वॉज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. Awesome. सो बिकॉज देन Awesome. पीपल वुड कम अप टू आस्क अस एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, यू नो दैट वाई द फ्लूट, कि व्हाट मेड यू स्टार्ट प्लेइंग द फ्लूट. सो देन वी वर लाइक कि अच्छा, तब हमने धीरे धीरे रियलाइज किया कि यार समथिंग व्हाट वी हैड बीन डूइंग वाज वेरी अनयूजुअल, एंड देन वी लुक्ड अराउंड एंड वी कुड फाइंड नो वुमेन फ्लूटिस्ट एट ऑल. ओह माय गॉड, दैट इज सो ट्रू. और आप लोगों के गुरु ने भी आपका पूरा साथ दिया, एंड दैट्स व्हाट इट इज. ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग, उनकी दुआएं हैं जो आप लोग इतना नाम हासिल वी किया आपने. ऑफ कोर्स, आर ब्लेस्ड सो ट्रू. टोटली. सो हाउ वाज इट व्हेन यू हैड योर फर्स्ट कॉन्सर्ट, सबसे पहला आपका जो शो था, कैसा आपने फील किया और कहाँ और कब हुआ? आई थिंक हम लोग का वेरी वेरी फर्स्ट कॉन्सर्ट, मतलब हम लोग ने वैसे भोला गुरुजी से वी हैवेंट लर्न अंडर हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट उस छोटे से टाइम में ही मेड अस परफॉर्म फॉर ऑल इंडिया रेडियो. दैट इज़ व्हाट वाह, आई रिमेंबर एज वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंसेज आई थिंक. फॉर चिल्ड्रेन, हाँ सम कुछ, चिल्ड्रेन हाँ प्रोग्राम्स. राइट राइट. तो आई थिंक दैट वॉज आर फर्स्ट परफॉर्मेंस एट AIR, ऑल इंडिया रेडियो. एंड उसके लिए हम लोग को कितने पैसे मिले होंगे, आई डोंट डेढ़ रिमेंबर, सौ बट डेढ़ सौ 150 राइट. वाह. सो बट आई रिमेंबर द वेरी नेक्स्ट डे गुरु जी केम होम एंड ही वॉज सो एक्साइटेड कि दिस इज लल्लिया, ही यूज टू कॉल अस लल्ली, हाँ लल्लिया आप लोगों ने इतना अच्छा बजाया और आप लोगों ने इतना कमाया भी. सो दैट वॉज अ वेरी स्वीट थिंग ऑफ हिम.
So that was the first concert that he made us play, and then later on again, Shivaji Park. Bombay mein aane ke baad bhi, hamara performance that was also Guruji ke chhatra chhaya mein hi, matlab. So that was also a concert organized by Guruji, which was a whole night event. So us program ki shuruaat hum log ne ki thi as bachcha artists. But everybody, all the big names in the industry were there in that concert, because the name of the concert was Yugal Sangeet Ratri. It was sponsored by the Vimals that time. Okay. And Vimals is huge, so it was a huge sponsor. But in the audience, there were all the stalwart or the biggest of musicians, like Suresh Vadkar ji and, you know, Shiv ji and... I mean, name at all. I mean, unka naam lete hue bhi hum log ko thoda wo hota hai. But the biggest of people. But yes, that was our so-called first huge public performance that we can say. First wala. How nice. Aapko kaisa mehsoos hua aapke show ke dauran? Aapko jab shabashi mili aur sabse aap kaisa mehsoos kar rahi thi dono us time? What you felt at that time after your performance? I think we were very, very small, but of course it's always encouragement. And I mean, that's what both our gurus have done to us. You know, they have always encouraged us. But I think both of us are not kind of girls who become too high or something, or too proud. Or I think we both are a bit sort of like... humble and grounded, you know. So wo kabhi bhi wo nahi hota hai, wo ghamand nahi kiya. That showcase on your face, that we can see you on your face. You both are so sweet, so nice, so simple, and so grounded. So much to learn from you. This is really not something which we just tell for the sake of it or just to be humble. But indeed, abhi bhi aap jo hum log ki tareefe kar rahe the, we really feel ki, no, please, we are not worth it. You know, we still have so much to do and we have done so little. But it's just so kind of you to talk so high about us. But always we feel that we are blessed. We are blessed and we are definitely very much, still very much students of music and students of life. You know, I mean, we still genuinely have so much to do. No, you're a role model for so many. Don't say that. And of course, we are so proud of you. And you are, of course, a real example of beauty with talent. That's what I should say. And you're inspiring so many. बहुत लोग आना चाहते हैं, but you know, कोई करता है जब आप किसी को देखते हैं, then it become more easier for you. कि if she is doing, even I can do. And age is just a number. That's what I feel. And music is a blessing because it connects you with God. आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और बड़े किस्मत वालों को ये मिलता है आज से. दैट इज सो ट्रू. आई टोटली बिलीव दैट. सो नाउ वी फील सो गुड लुकिंग एट सो मेनी वुमेन हु आर प्लेइंग द फ्लूट नाउ. जी एब्सोल्युटली. सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. आई हैव सीन लाइक जो फ्लूट है लोग कुछ स्ट्रेट बजाते हैं. आई हैव सीन यू हॉरिजॉन्टल. सो इज देयर एनी डिफरेंस और what it is, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत बताएंगे तो यू नो, बिकॉज दे ऑल वॉन्ट टू लर्न. तो अगर आप थोड़ा सा, आई नो शो के दौरान बताना मुश्किल होता है, लेकिन इफ यू गिव फ्यू टिप्स विल बी रियली गुड फॉर देम एंड दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद यू बोथ ऑफ यू. रश्मि जी, इनिशियली द फ्लूट हैज बीन अ फोक इंस्ट्रूमेंट. सो लेट मी टेल यू, फ्लूट इज अगेन वन इंस्ट्रूमेंट दैट यू वुड फाइंड इन एवरी कल्चर थ्रू आउट आवर throughout the world, actually. If you go to see, the Chinese have their flute, which is known as the lute. The Japanese have, which is known as the shakuhachi. So, flute ke alag, of course, we have the silver flute or the English flute that we say. So, flute exists karta hai. Thoda sa uska format idhar udhar change hota hai, but flute is one instrument that is like uski bahut varieties hai. So talking of the fipple hole that we call the fipple hole, the straight blown flute, it used to be a folk instrument. So originally flute is a folk instrument. Now then the big artists, they realized they wanted to do something more to create the flute as a more kind of to bring it to classical. And the bigger the flute becomes, the sound becomes more and more bass. The smaller the flute, the pitch gets more and more shrill and sharp.
सो दिस इज साइंस, जितना छोटा फ्लूट होगा उतना वो तीखा और ऊपर बोलेगा, जितना बेस फ्लूट होगा उतना वो नीचे होगा. सो साउंड का वो फर्क है. तो जब हम लोग क्लासिकल बजाते हैं वी रिक्वायर अ काइंड ऑफ बोल्डनेस और सीरियसनेस और बेस. तो फोक म्यूजिक आप देखेंगे जब बजता है पहाड़ी राग, पहाड़ी या पहाड़ों का फोक म्यूजिक, इट इज लाइक हाई पिच पे बजता है. जब क्लासिकल हम लोग बजाते हैं क्लासिकल फॉर्म्स, तो वो थोड़ा सीरियस, थोड़ा बेस वो होता है. सो दिस इज हाउ फ्लूट लाइक इट ग्रू एंड पीपल मेड इट. सो देन स्लोली इट बिकेम फ्रॉम अ फोक टू अ, इट गॉट एक्सेप्टेड टू एज अ कॉन्सर्ट फ्लूट विच वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फॉर क्लासिकल नाउ. सो आवर लेजेंड्स लाइक पंडित पन्ना लाल घोष जी, ज्ञान, सो दीज पीपल हैव वर्कड अ लॉट ऑन द फ्लूट एंड दे हैव ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट टू दिस लेवल वेयर इट इज नाउ टूडे एक्सेप्टेड एज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ दिस टाइम आई वुड से वी आर वेरी प्राउड बिकॉज वी बिलोंग टू एन जेनरेशन और वी बिलोंग टू दैट युग वेयर फ्लूट इज नाउ यूज नॉट ओनली एज अ फोक और क्लासिकल बट इट इज यूज इन ऑल जॉनर. कहाँ फ्यूजन है वहाँ पे भी यूज हो रहा है, कहाँ पे जैज है वहाँ पे भी यूज हो रहा है, कहाँ पे कुछ भी टाइप का फॉर्म ऑफ म्यूजिक हो फ्लूट कुछ ना कुछ फॉर्मेट में यूज हो रहा है. तो जो बेसिकली आपका क्वेश्चन जो था, ये जो फ्रंट ब्लोन जी स्ट्रेट ब्लोन होता है विच इज मच स्मॉलर, इट्स नेवर अ वेरी बिग फ्लूट, विच मीन्स इट इज मोर टूवर्ड्स द फोक. एंड जो बड़ा फ्लूट होता है दैट वी कैन यूज फॉर क्लासिकल, फॉर बॉलीवुड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. Awesome. I have seen the flute with metal also. Metallic भी होती है. So, does it make any difference in the sound or anything? यस, मेटल फ्लूट इज़ वेरी डिफरेंट. डिफरेंस ये है कि उसमें मेटल फ्लूट जो यूज़ होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश फ्लूट बोलते हैं, उसमें बहुत सारे क्रोमैटिक नोट्स यूज़ होते हैं. एंड इसमें हम लोग उतना इजीली क्रोमैटिक नोट यूज़ नहीं कर पाते हैं. क्रोमैटिक नोट्स मतलब, मैं आपको एक सीधे उसमें बोल दूँ, जस्ट द नोट्स वन आफ्टर अदर जो लगता है, यू नो, प्योर नोट, हाफ नोट, फिर प्योर नोट, फिर हाफ नोट, फिर प्योर नोट, फिर And हाफ. moreover, the एंड silver flute has keys. We don't have any keys. टेक्निकली इट्स वेरी It has a डिफरेंट. mouthpiece. We don't have a mouthpiece. So it's technically quite different, actually. And even the sound is very different. यस या इट इज रियली नाइस. मेरा तो खुद भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपसे सीख लूं. आई Please रियली लव इट. इट्स सो म्यूजिकल एंड सो मेस्मराइजिंग. व्हेन आई वाज लिसनिंग, व्हेन वी वर शोइंग इन योर इंट्रो, इतना अच्छा लग रहा था सुन के. और इट गिव्स अ रियल पीस ऑफ माइंड, दैट्स व्हाट आई फील. और आज के दौरान में, आज का जो युग चल रहा है भाग दौड़ का, ये पीस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली इट्स लाइक अ मेडिटेशन एल से. उसको सुनना मीन्स आप यू आर इन डिफरेंट लैंड. बहुत अच्छा लगता है. सो बिल्कुल, टेल मी वन एस्पेशली थिंग सुष्मिता, देबू शी इज योर एल्डर सिस्टर. सो कभी ऐसा होता है कि आप दोनों की लड़ाई भी होती है और यू लुक लाइक कि आप बहुत कहना मानती होंगी अपनी बड़ी बहन का? आई थिंक जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, शी वॉज मच शॉर्टर टू मी. हाँ, तो दो वी आर जस्ट अ ईयर अपार्ट. बट होता है ना, कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई बहुत लेट बड़ा होता है. तो दो आई वॉज जस्ट अ ईयर एल्डर टू हर, बट नो बडी बिलीव बिकॉज शी यूज टू बी हियर, यू नो. तो शी वॉज लिटरली लाइक अ वेरी स्मॉल, मेरी बहुत छोटी सी एक बहन हुआ करती थी, हुम आई यूज टू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल टेकिंग केयर ऑफ हर. एज शी ग्रू अप एंड एज वी बोथ एंड शी बिकेम टॉलर टू मी, एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट एट अ पॉइंट वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स. वी आर स्टिल, आई मीन वी आर स्टिल, ऑफ कोर्स, बट वी हैव बीन, वन थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट दैट वी हैव बीन इनसेपरेबल. वी हैव लिटरली बीन इनसेपरेबल. सो अपनी लड़ाइयाँ नहीं होती है. देर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन, लेट्स से. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. यस, देर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. नेचर वाइज शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, अगर पीपल हु नोज अस वेरी क्लोजली. बट देर आर सम ट्रेट्स विच आर वेरी वेरी कॉमन इन बिटवीन बोथ ऑफ अस. सो इट्स लाइक इफ यू नो मी इट्स हाफ नोइंग हर, एंड इफ यू नो हर इट्स नोइंग मी. इट्स दैट क्लोज. At the same time, there is some difference. So we are very different, but very similar in some ways. But there has been a difference of opinion, and we talk it out, we clarify. That is now, but as kids, we didn't really fight. No. No.
My interests were different. Didi's interests were different. Like I was more into experimenting with mama's sarees and dupattas and heels Heels, high and heels, nail bindi, polishes and nail lipsticks. polish. And Didi would be busy sitting on the window pane looking at the birds outside and Playing with collecting pups, dogs, you know, dog pups pups. and I was more towards. collecting pebbles and stones and stuff like that and bringing them home. So That we were sounds. very different, but somewhere we would connect. These are, of course, sweet memories. You will always cherish it forever, of course. And I can see you have such a good chemistry. Or bahut acha lagta hai when siblings are together and their interests match and when they do something, of course, ek aur ek 11 ho jate hain. And that's what it is ki aapki cheeze bahut aasan aur simple ho gayi. You both are inspiring each other. And it's a very strong team, that's what I'll say. It's great. Absolutely. Yeah. रश्मि जी, मैं आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक चीज बताती हूँ विच माइट बी रियली फनी फॉर द ऑडियंस. कमिंग टू आवर केमिस्ट्री, सो बचपन से वी हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड बहुत ज्यादा प्यार करते थे. तो हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे एंड वो लोग पता नहीं ये क्यों करते हैं, बच्चों को देख टेस्ट करना चाहते हैं. एंड दैट गेस्ट पर्टिकुलरली वेंट ऑन टेलिंग हर कि मैं तुम्हारी दीदी को ले जाऊं, मैं तुम उसको घर ले जाऊं, मैं उसको ले जाऊं. एंड शी डिडंट लाइक इट क्वाइट अ लॉट, सो शी लिसेंड इट फॉर 3 times. फोर्थ टाइम ही डिड एंड ऑल ऑफ अ सडन शी वाज ईटिंग समथिंग आउट ऑफ अ लिटिल कटोरी, स्टील की कटोरी होती है, बैठ के कुछ खा रही थी. और उसको गुस्सा आया, उसने कटोरी दे मारा. And it straight away hit him badly. And out of nowhere, she took that katori and she hit him. Oh, and she was sitting quite a distance. And can you imagine the embarrassment of my parents, what they must have gone through? That is so sweet of her. This has been whoever has tried to separate us. I warn you, don't do that. That's her love for you. That's what it is, you know. How sweet. That's a real example of a strong bond, I'll say. How nice. That's what I'll say. Aapki jodi hamesha bani rahe and aise hi aap dono hasti rahe. So you have done so many projects with like Crime Patrol, Balika Vadhu, aap logo ne kiya hai. So what are projects you prefer to do aur aapke upcoming projects kya hai, wo bhi main janna chahungi aapse. Balika Vadhu aur Crime Patrol, these serials, we have played a little bit for the serials or background of Bollywood. What happened is that while we were learning the flute, we as girls, we were very protected. We were very protected, you know, from our parents, because as I said that in the industry, there were no girls. And this is a kind of industry which is mostly men are working there. So Guruji also never put us there. He never referred us there, you know, and we were protected, very much protected by our parents and gurus. So after we grew up and we started, you know, having a Facebook account, and when people started approaching us that, do you play a background? Do you play Bollywood? Do you play? So this is how a little bit of it started. But we still remained very busy with our own classical projects, which is the most happiest thing we both are happy doing. Plus, we both are very happy doing kind of different projects like fusion music, lot of interacting with other artists. We have done quite a lot of that in the promo also, that you have seen that we have been performing with other very, very great musicians. So all that, anything musical is okay to us, be it fusion, classical, you know, any kind of genre. But something that we both have done very recently and we are simply so excited and so happy about it is that, as in the beginning of the show, we said that my parents, they both are vocalists. So my papa has written about 1,000 compositions in different rags. So he has not only written them, he has composed them, and there is a compilation of about 5 to 6 books. Now, we took up as flute. We didn't take vocal. I mean, we didn't pursue vocal. But belonging to that family or belonging, wo hamara jo ghar hai, wo jo atmosphere. So we have grown up listening to our parents singing. Wo composition sunke hum bade hue hain. To kya hota hai ki ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. जब हमने जब वोकल नहीं लिया तो हमने फ्लूट लिया, तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि वी नीड टू ब्रिंग दिस आउट एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड.
एंड दैट इज वेयर आई सेड देबा वी नीड टू डू दिस, देबा वी नीड टू डू दिस, बिकॉज ये हमारा घर का चीज़ है, ये अपने घर की धरोहर है. एंड इफ डोंट शेयर इट, इट विल बी लाइक अ ह्यूज ट्रेजर विच विल बी लॉस्ट. दो दीज कम्पोजिशंस आर रिटन इन बुक्स, बट बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो ओनली रिटन इन बुक डजेंट टीच यू म्यूजिक, यू नीड टू हियर इट आउट ऑल्सो. सो दैट इज हाउ वी बोथ डिसाइडेड एंड क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म नेम्ड एज बंदिश हब. कम्पोजिशन को हम लोग बंदिश बोलते हैं, सो दिस इज लाइक अ बंदिश हब. लाइक यू हैव अ, I was debating, shall we call it Bandish Mall or Bandish Hub? But nahi, Bandish Hub, that is what I okay. finally. But this is here where we are uploading all the compositions along with the notations, written everything, and we are singing them along with our father. So even you saw a little glimpse of us singing, also playing flute. So that is one episode from the Bandish Hub that we just recently released about 5 days back. Wow, awesome. So there are more to release in that. Mm-hmm. So we are bringing this up and I feel so happy. We feel so happy. मैं आपको just compliment like, करने वाली थी कि आप दोनों की आवाज भी बहुत सुंदर है, तो आप लोग गाती भी होंगी, तो if you wish आप दो लाइनें सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. क्या सुना है? वही सुनाते हैं नंदलाल. या सो सेम बंदिश हब का ही द वीडियो दैट वी जस्ट रिलीज्ड अबाउट 5 days बैक. नंदलाल आयो रे, नंदलाल आयो रे, ग्वाल बाल गोपिन मुख, ग्वाल बाल गोपिन मुख, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, नंदलाल आयो रे. वाह, ब्यूटीफुल. यू हैव सच अ मेस्मराइजिंग वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान की आप पे स्पेशल कृपा है. यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी टैलेंट. एंड इट्स सो नाइस टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर. हाउ नाइस. सो वी आर व्यूअर्स, इफ दे वांट टू सी, दे कैन चेक वी बोथ ऑफ यू ऑन बंदिश हब, आप जो बता रही है राइट, ऑनलाइन वो लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं. तो इफ एनीबॉडी, तो कोई अगर आपसे सीखना चाहता है, ऑफ कोर्स फ्रॉम यूएस एंड कनाडा, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, सो क्या आप लोग सिखाते भी हैं? एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बी ट्रेन्ड? ऑफ कोर्स इसका वक्त लगता है, लेकिन जो शौक से भी कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, यू नो, इट इज सच ए ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट और इससे मन को बहुत शांति मिलती है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे तो वो आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे. See, anybody who would want to learn from us can connect to us through our website, which is www.flutesisters.com. And yes, of course, as you very rightly said, that there are many people who don't want to take this up as a profession, maybe, but they just want to learn, pursue their passion. Yes. So obviously, why not? And I mean, music is always something which can be such a stress buster, which can be such a meditative thing, such a relief for so many. And aajkal ke zamane mein to actually we all need something creative to fall back on. Sure. It does not necessarily have to be music, but any form of art, sculpture, whatever, you know, writing, so, poetry, anything. Yeah. Anything, something and, creative. And yeah, for music, of course, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत डेफिनेटली होती है. मतलब अगर कोई बिल्कुल ही सुर ताल से कुछ लेना देना ना हो, ऐसे लोगों को म्यूज़िक सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट ऑफ कोर्स आई मीन दैट डज नॉट मीन दैट इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग और नॉट टू बी डन थिंग. इट डजंट टेक अवे देयर राइट टू लर्न. आई मीन एंड म्यूजिक इज समथिंग दैट इट कैन बी पिक्ड अप एट एनी एज. आई मीन इवन इफ समबडी 60 वांट्स टू स्टार्ट लर्निंग, व्हाई नॉट. या if somebody 70 wants to start learning, why not? But what helps a person to grow is if that person has that natural flair, he has a little bit of that natural talent jisko bolte hain, to of course unki growth will be faster compared to a person who is less talented. Yes, absolutely. So
That is the thing, but And the yeah. learning thing also depends totally on individuals' grasping power also. True, true. So because there is no formula to this, you know, कि आप अगर 3 साल सीखोगे तो आप इस लेवल तक बजा पाओगे, 5 साल सीखोगे तो इस लेवल तक बजा पाओगे, देर इज नथिंग लाइक दैट. सो इट कोई डिफर्स तीन फ्रॉम साल पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, जी बट ऑफ कोर्स दे जी कैन कनेक्ट विथ यू, और आप लोग जैसे गुरु मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स रियली गुड टू नो कि इट्स नॉट दैट टफ, और किसी भी उम्र में सीखा जा सकता यस है. इट्स रियली वंडरफुल, एंड आई गुड विशेज आर विथ यू फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और ऐसे ही आप लोग नाम रोशन करिए, और मैं चाहूंगी कि आप लोग यूएसए में भी आए और हमारे व्यूअर्स को रूबरू सुनाए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. बिल्कुल या फॉर एन अपकमिंग ईयर्स वी वॉन्ट बिल्कुल टू हैव यू हियर इन पर्सन, एंड इट वॉज ग्रेट टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन आर शो. बट बिफोर वी एंड, आई वुड लाइक यू टू से फ्यू वर्ड्स टू आर व्यूअर्स. It was an equally, we had a lovely time chatting with you and to our viewers, yes, we are definitely waiting to come back to our usual routine of traveling and performing for the audience. We are really missing it big time. And 2020 mein bhi hamara plan tha US ka, which didn't work unfortunately. So hopefully 2021 it is. And I would like to say that music, not only it's not only entertainment wise, but I think music makes a person more human, and music makes a person more beautiful, and that is something food for your soul actually. And it creates a So lot of harmony in life, it creates a lot of balance, harmony harmony. in life, and I feel in this टाइम वेन अ लॉट ऑफ पीपल भाग दौड़ है सबके लाइफ में, कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, तो हम लोगों के लिए, स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए, तो आई वुड से कि दिस वर्क्स, दैट जस्ट सिट विथ योर फ्लूट और फॉर योर म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर, एंड इट टेक्स अवे, यू नो, इट लाइक सॉर्ट ऑफ काम्स यू काम्स डाउन. यू डाउन अ लॉट. सो आई फील लाइक शेयरिंग दैट सेम काइंड ऑफ peace or bliss with the rest of the people whom I feel sometimes that they need to calm down. तो मेरे ख्याल से सबको फ्लूट बजाना शुरू कर देना चाहिए. एनी आर्ट एनी फॉर्म, आर्ट फॉर्म, यस. नॉट सो ओनली फ्लूट. मैनी अ टाइम्स वी लाइक टेल पीपल दैट प्लीज डोंट टेक अप म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, बट टेक इट अप एज अ हॉबी, परस्यू इट एज अ हॉबी एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस Do इन it लाइफ. happily, not with stress. Yeah. Thank Thank you so much for a lovely message, and it was great having both of you on our show. Thank you so much. Same you. here. Thank Thank you you. so Thank much. you, same. Namaskar.